इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में कोरोना मरीजों के आंकड़े भले ही घटते नजर आ रहे हों, पर आवाम की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजमर्रा की जिंदगी जीना गोया हर रोज आजमाइश से गुजरने के बराबर है, और अगर इसमें भी कोई कोरोना मुतासिर घर का फर्द अस्पताल में जेर इलाज है तो इसका जीना और मरना दोनों बराबर ही समझ लीजिए। जमीनी सच्चाई यह है कि अस्पतालों में हालात कुछ मुनासिब नहीं है। निजी अस्पतालों में मनमानी कारोबार चल रहा है। कुछ लोग यकीनन खुलूस के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने कोरोना काल में भी अपनी एजेंटगिरी का पूरा फायदा उठाना जारी रखा है। समझ में नहीं आता आखिर मजबूर इंसान और मजबूर का पैसा कमाने में इन्हें कैसा मजा आता होगा। क्या इन्हें इतना भी एहसास नहीं रहता कि हर शख्स जब अस्पताल का बिल अपनी कुव्वत से बढ़कर कैसे रुपयों को जमा करता होगा। मैं आज भी उन कोविड सेंटर्स या फिर अस्पताल वालों को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्हें वाकई गरीब के दर्द का एहसास होता है, पर कुछ गिद्ध आज भी गोश्त नोचने पर आमादा है। यकीनन लॉकडाउन में सभी कारोबार बंद है, सभी लोगों की कमाई का जरिया बिल्कुल थम गया है, पर क्या इसका मतलब आप खिदमात के नाम पर गरीब के जिस्म का गोश्त नोचोगे? कैसे तिल तिल मरकर एक मरीज के घर वाले रुपया इकट्ठा करते हैं पता है? पहले तो रिश्तेदार नजदीक आने को तैयार नहीं, घर के लोग पॉजिटिव होते ही फोन से भी बात करना छोड़ देते हैं, कहीं वायरस फोन के जरिए ना पकड़ ले। किसी तरह घर का वाहिद लड़का बीवी मरीज को लेकर अस्पताल में जाती है। पहले तो इस तरह की बीमारी का इतना हुआ क्या हुआ है कि कुछ लोग तो डर कर ही अस्पताल के दरवाजे पर जान छोड़ देते हैं। अस्पताल में दाखिल होने से घर लौटने तक या फिर लाश को कब्रिस्तान या शमशान पहुंचाने तक किस तरह कयामत गुजरती है इसका अंदाजा बस वही लोग लगा सकते हैं जिनका कोई अस्पताल की इस आजमाइश से गुजरा हुआ हो। एक बार फिर कह रहा हूं कि हर कोई इस तरह नहीं है, पर क्या मरीज को अस्पताल में इस तरह लूटा जाता है? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? सवाल तो कभी कभी यह भी जहन में आता है कि क्या इस साजिश का हिस्सा हुकूमत या हुकूमत में बैठे कुछ दलाल तो नहीं है? बातें बहुत बुरी लगती है, पर हमने अपने आंखों से देखा है कि घर में बूढ़ी वालिदा के जेवर कर्ज यहां तक कि जमीन के कागजात रखकर अस्पताल का बिल अदा किया जाता है। एक मरीज को 16 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की बात कही जाती है मैच डेढ़ दिन में, और 47,000 रुपए इसका बिल मरीज के घर वालों के हाथ में थमा दिया जाता है। डॉक्टर्स के विजिटिंग चार्जेस 20,000 रुपए लिए जाते हैं। आखिर कोरोना की ऐसी कौन सी दवा बाजार में आई है जिसकी कीमत हजारों में है? कोरोना के लिए अब तक कोई दवा बाजार में आई ही नहीं, यहाँ तक रेमडेसिविर को जान बचाने वाली दवा कहने से WHO ने इनकार कर दिया। गरीब परेशान है, अमीर किसी तरह फिर भी लाखों रुपए अदा करेगा जिसका कुछ फर्क इसकी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब की तो जिंदगी तबाह हो जाती है। और मजीद इम्तिहान यह है कि जेवर घर बेचकर भी कोई गारंटी नहीं कि मरीज बच भी जाएगा या नहीं। कईयों ने तो महज कोरोना पॉजिटिव आने से ही मौत को अपना लिया, तो और कुछ ने तो कोरोना का नाम सुनते ही दिल के दौरे से मौत आ गई। लिहाजा इन तमाम मामलों को हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन बेशर्म हुकूमत को सिवाय बयानबाजी या फिर लाखों करोड़ों के महज जुमले और पैकेजेस के आता क्या है? आखिर जितनी भी मौतें महज कोरोना या जहनी दबाव में आकर हो रही हैं, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? फिर इन एजेंटों पर कौन नकेल कसेगा जिन्हें एक गरीब के जज्बात का एहसास तक नहीं होता? अस्पताल में बेड से लेकर लाश को लपेटने तक के चार्जेस में कमीशन खाने वाले को आखिर क्या कहा जाए? और आखिर अस्पताल वाले क्या इसलिए एजेंट मुंतखब किए हैं कि किसी तरह से अस्पताल में मरीज को बहला फुसला कर ले आए? हुकूमत ने जो गाइडलाइन दिए हैं उस पर कितना निजी अस्पताल वाले अमल कर रहे हैं? तभी कोई अफसर जाकर देखता है या किसी अफसर के कहने पर ही यह कमीशन का धंधा चलता है? यहां तक देखा गया कि मरीज की लाश को महज आधा किलोमीटर के शमशान या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले हजारों रुपए चार्जेस लगाते हैं। क्या तमाम बातें किसी के नजर में नहीं आती या इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है? कहां तक गरीब को जीते जी मारना है? और यह खेल पॉजिटिव के बाद शुरू होता है। आवाम की खामोशी ही तमाम जुर्म को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। गरीब यह समझता है कि मेरा गरीब होना ही जुर्म है और मेरी खामोशी ही इसका आखिरी इलाज है, या फिर गिड़गिड़ाना या फिर इल्तजा गुजारिश, यही इसकी जिम्मेदारी समझ चुका है। उस मरीज के घर वालों को, उस गरीब को यह समझना होगा कि इसकी गरीबी इसकी ताकत है। कुछ बोलना सीखे, जबान से सवाल करना सीखे, यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। यहाँ हर कदम पर गीदड़ बैठे हैं, ये तुम्हारी खामोशी को
तुम्हारी कमजोरी समझते, ये नोचेंगे तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को, नीलाम करेंगे। लिहाजा ऐसे एजेंटों को पहचानो, जैसे हमने पहले कहा कि हर गरीब क्या है अर्श इलाही तक पहुंच जाती है, और जब मजलूम बेबस क्या है आसमान तक पहुंचती है, तब और भी आसमान से उन हुकूमतों पर कहर नाजिल होता है। लिहाजा मरकजी हुकूमत हो या रियासती, इन्हें चाहिए कि इंसाफ से काम ले। महज जुमलेबाजी या बयानबाजी करने से पहले जिस तरह निजी अस्पतालों में गरीब के लहू का सौदा किया जा रहा है, इसकी तफ्तीश तहकीक कर इन पर कार्रवाई करे। जब तक इस मुल्क में गरीब आवाम सुकून से दो वक्त की रोटी इत्मीनान से नहीं खाता और गरीब इंसाफ से मुतमइन नहीं होता, कभी कोई मुल्क सुकून से रह ही नहीं सकता। आप इस बात से इत्तफाक रखें या न रखें, पर यही सच्चाई। लॉकडाउन के चलते कई घरों में रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें मैसर नहीं हो रही, लिहाजा बेलगाम शहर में आज भी कुछ तंजीमी इदारे समाजी खदमात को अंजाम दे रही है। कैंप फिश मार्केट की जानिब से गरीब लोगों को आज खाने के पैकेट्स को तकसीम किया गया। खासकर जो लोग बाहरी गांव को जाने की तैयारी में थे, खासकर लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग अपने गांव जा रहे थे, इनकी भी इन्होंने मदद की। इन्होंने यह भी कहा कि अगले हफ्ते वेजिटेबल्स यानी सब्जी को घर घर जाकर तकसीम करिए। अभी ये टाइम पर खाना बांट रहे, हर दिन एक आठ दिन को चार दिन को खाना बांट रहे, और इसके आगे खाने का इंतजाम है हमारा, हर टाइम पर करने वाला है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं, हमारे एक मच्छीमारी ऐसी है, सभी जात के लोग हैं, हिंदू है, क्रिश्चन है, और ये खाना भी हर एक जात को देने वाले हम लोग। अरे खुद का पैसा है, किसके अंदर कोई पॉलिटिक्स चार्ज नहीं है। हमारा आज खाना बांटने का प्रोग्राम था, वो पूरा हो गया, स्टेशन में ख़त्म हो गया। लेक भी गए, कैंसर हॉस्पिटल गए, सिवल हॉस्पिटल गए, केली गए, बस स्टैंड गए, और खताल वाली दरगाह गए, फोर्ट रोड गए, लास्ट रेलवे स्टेशन में आए। इधर आने के बाद सब खत्म हो गया, हमारा फूड पानी वगैरह सब खत्म हो गए, मास्क वगैरह सब खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सोमवार वेजिटेबल घर में जाके बांटने वाले हैं हम लोग। इसी तरह बाशीबन फाउंडेशन की जानिब से सामाजिक खिदमत अंजाम देने का सिलसिला आज भी जारी है। लॉकडाउन के चलते कई खानदान राशन से महरूम है, लिहाजा जरूरतमंदों तक राशन किट पहुंचाने का काम बाशीबन फाउंडेशन एनजीओ की जानिब से किया गया। तकरीबन 250 से भी ज्यादा राशन किट को बेलगाम और निपानी के जरूरतमंदों तक पहुँचाया गया। इनके इस काम को शहर और अतराफ में सराहा जा रहा है। सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की जान तक जाने का खतरा बढ़ रहा है, लिहाजा कुर्ची गांव के जनाब आतिफ पटाइत ने पूरे गांव वालों के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो इसकी कोशिश करते हुए फिर से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया। वाजा रहे कि आतिफ पटाइत ने ऑक्सीजन की किल्लत को महसूस करते हुए बम्बई तक जाकर किसी तरह की मुश्किल दरपेश ना हो इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया। इनके कोशिश पर इन्हें सराहा जा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने 250 से भी ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोरोना मरीजों के लिए मुहैया कराए थे, जिसकी वजह से मरीज जान बहक होने से बच गए। इनकी इस खिदमात को कुर्ची वाले फरामोश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तमाम जितने भी सामाजिक खिदमात अंजाम देने वाली तंजीम अफराद हैं, अल्लाह ताला इनके खिदमात को कबूल फरमाए। खबर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह।